राहुल गांधी के संसदीय जाने पर भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं, क्या अभी तक गुटबाजी का शिकार है महाराष्ट्र कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मुंबई और महाराष्ट्र में इसको लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। हालांकि इस स्तर का कोई आंदोलन कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता हुआ नजर नहीं आया। शनिवार को मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट भाई जगताप के नेतृत्व में घाट कोपर की रमाबाई कॉलोनी के पास आंदोलन किया गया। हालांकि दोनों ही आंदोलन में कार्यकर्ताओं की उदासीनता साफ तौर पर नजर आई, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग की कमी दोनों ही आंदोलन में नजर आई। राहुल गांधी के सांसदी जाने के खिलाफ नाना पटोले की निगरानी में एससी ओबीसी आदिवासी और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा यह आंदोलन किया गया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के लोगों की कम दर्ज की गई। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति और आदिवासी के कार्यकर्ताओं द्वारा भाई जगताप के नेतृत्व में रमाबाई आम्बेडकर नगर में बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले के पास भी आंदोलन हुआ। यहाँ भी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह की कमी नजर आई। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी। कांग्रेस पार्टी में विभिन्न प्रकार में 39 सेल बने हुए हैं जिनके स्वतंत्र अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई के बाद भी बड़ा आंदोलन न होने की वजह से अब चर्चा का बाजार गर्म है। महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर चर्चा शुरू है कि पार्टी में जबरदस्त गुटबाजी है, जिसके चलते बड़े आंदोलन भी आयोजित नहीं हो पा रहे हैं। अगले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा के भी चुनाव होने हैं। बावजूद इसके पार्टी अंदरूनी कलह से उबर नहीं पा रही है। बीते विधान परिषद चुनाव में गुटबाजी खुलकर सामने आई थी, जब एमएलसी के चुनाव में पहली पसंद के पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोई की हार हुई थी और दूसरे नंबर के भाई जगताप की जीत, नाना पटोले और बाला साहेब थोरात की जंग। कुछ महीने पहले महाराष्ट्र में संपन्न हुए विधान परिषद चुनाव के दौरान नासिक सीट पर भी कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बाला साहेब थोरात के बीच भी जंग छिड़ी थी, जिसके बाद दिल्ली से आलाकमान ने मध्यस्थता की थी, तब जाकर दोनों नेताओं के बीच की कड़वाहट कुछ कम हुई है। हालांकि इस तरह से अंदरूनी कलह और गुटबाजी के चलते पार्टी के प्रदर्शन और आंदोलन दोनों पर विपरीत असर पड़ता है नजर आ रहा है।